हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इस मनी प्लांट के बारे में बताऊंगी कि मनी प्लांट को कैसे हम चमकदार बना सकते हैं। ये मेरा मनी प्लांट है फ्रेंड, बहुत अच्छे से ये इसकी ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन इसमें कोई पत्तों में एकदम से चमक नहीं है। बहुत दिनों से मैंने इसकी कोई अच्छी केयर नहीं की है, ना ही इनके पत्तों को पोछा है, ना ही क्लीन किया है। बस ऐसे ही इसे छोड़ दिया था क्योंकि मुझे इसे रिपॉट करना था। और इसके पत्तों में चमक लाने का बहुत ही आसान तरीका है जो हमारे घर पे ही होता है, हर इंडियन के घर में रहता है असल में ये चीज़। तो मैं आपको दिखाऊंगी इसे क्लीन करके और इसे सही से लगा के। एक पौधा जो भी होता है फ्रेंड, उसे सिर्फ लगाने से नहीं होता है। जैसे हम किसी में भी लगा देते हैं, कैसे भी लगा देते हैं, जैसे कि मैंने ये मॉन्स्टिक बनाया था अपने हाथ से अपने घर पर, लेकिन ये बालकनी वगैरह में घर के सामने एंट्रेंस पर रखना बिल्कुल सही नहीं लगता है। तो इसलिए मैंने एक मॉन्स्टिक मंगाया था और मैंने ये वाइट कलर का पॉट मंगाया था, मैंने दिखाया भी है, इसका वीडियो भी डाला था। और इसमें मैंने ड्रेनेज होल बना रखा है पहले से ही, और इसमें ये वाला जो ये आता है ना ग्रॉसरी में बैग्स आते हैं, उसका इस्तेमाल मैं करूँगी इसके ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए। और ये मॉस्टिक है फ्रेंड, मैंने ये मंगाया था, तो इसका मैं इस्तेमाल करूँगी और इस मॉस्टिक को निकाल दूँगी। तो मैं पहले इसे इसमें रिपॉट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं ये पौधा कैसा लग रहा है और इसके पत्तों के चमक के लिए मैं इसमें क्या इस्तेमाल करने वाली हूँ जिससे हमारा पौधा एकदम से चमकदार हो जाएगा। मैंने इसे दूसरे पॉट में शिफ्ट कर दिया फ्रेंड। मनी प्लांट के पत्तों में थोड़ी बहुत चमक आ गई है, मैंने उस चीज़ का यहाँ पे इस्तेमाल किया है, लेकिन ऊपर वाले पत्तों को मैंने छोड़ दिया है कि मैं आपके सामने करूँगी। और इसमें जो बेल जा रही थी फ्रेंड, वो अभी अभी मैंने लगाया है, इसलिए जिस तरीके से हुआ मैंने उस तरीके से इसे बांध दिया है। अगर मैं इसी पॉट में ग्रो करके रहती तो वो बेल बहुत अच्छे से एकदम सही से ग्रोथ में जाती, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि इसमें ये जो सेंटर का एरिया है यहाँ पर छोटे छोटे से मनी प्लांट के गोल्डन कलर के जो रहते हैं उसके कटिंग लगा दूँ और इसी में ग्रो करूँ। और वो कौन सा चीज़ है जिससे आप इस तरीके से अपने पत्तों में चमक पा सकते हैं मनी प्लांट के, आप देख सकते हैं इसके पहले ये पत्ते कैसे थे, एकदम से गंदे ख़राब से, और अभी इसमें कितनी ज़्यादा चमक आ रही है। वो चीज़ ये है पैरासूट कोकोनट ऑयल, जो हर एक इंडियन के घर में ये तो रहता ही रहता है फ्रेंड। सिर्फ मैंने इसका इस्तेमाल किया है, इसे अपने कोई भी कॉटन हो या फिर कॉटन का कपड़ा हो उसमें थोड़ा सा लेना है, मैं आपको ले कर दिखाती हूँ। ये कोकोनट ऑयल को इस तरीके से कोई भी कपड़े में ले ले फ्रेंड, वेस्ट कपड़ा होना चाहिए, उसके बाद आप किसी भी चीज़ के लिए उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसलिए लेने के बाद अपने प्लांट के पत्ते को धीरे धीरे इस तरीके से एकदम से पोंछना है फ्रेंड। अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालेंगे पत्ते के ऊपर तो इस तरीके से हो जाएगा, मैं गलती से मेरे से ये ख़राब हो गया। और ये पत्ते में देखिए और इस पत्ते में देखिए ये कितना ज़्यादा चमक रहा है, तो इसे भी इस तरीके से मुझे पोंछना है। सिर्फ कुछ नहीं, आप महीने में एक बार भी इतना टाइम निकाल के अपने प्लांट को क्लीन करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा चमकदार होगा। बहुत सारे वीडियो में आपने देखा होगा कि एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये फर्स्ट टाइम आप देखते होंगे कि कोकोनट ऑयल का आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जो इस तरीके से गंदे रहते हैं पत्ते, उनको भी आप इस तरीके से पोंछेंगे, कितना ज़्यादा एकदम से चमकदार बन जाएगा ये पत्ता। पहले से तो बहुत ज़्यादा बेहतर लग रहा है फ्रेंड ये, यानी कि सारे पत्ते। तो बहुत आसान तरीका है इस तरीके से अपने पौधे को बहुत अच्छी ग्रोथ में लाना और चमकदार बनाना, सिर्फ सिंपल सी केयर के साथ। और आप देख सकते हैं ये मेरा पूरा का पूरा प्लांट इस तरीके से रेडी हो गया है, बहुत अच्छा, पहले से तो बेहतर लग रहा है। वो मॉस्टिक भी थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, मिलती हूँ इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में।